जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली है एसएससी जीडी वाले छात्रों के लिए जिनके अच्छे नंबर है उनके लिए कि 5 किलोमीटर की आपको रनिंग कैसे करनी चाहिए। देखो 5 किलोमीटर की जो रनिंग है उसके लिए एसएससी जीडी की तरफ से आपको कितना समय मिलता है, 5 किलोमीटर की जो रनिंग है उसके लिए एसएससी जीडी की तरफ से आपको 24 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, इस 24 मिनट को आप कैसे डिवाइड करें, कैसे करें ताकि आप अच्छी टाइमिंग में आ जाए। ध्यान रखना यहां पर कोई मतलब नहीं है कि आप 20 मिनट में करें या 21 मिनट में करें, इसके कोई नंबर नहीं है। समझ गए बात को, आप चाहे 20 मिनट में करो, चाहे 21 में करो, चाहे 24 में करो, कुल मिला के क्या करना है, पास करना है। एक तो ये फिजिकल इवेंट, एक आपकी हाइट होनी चाहिए, एक चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी समझ गए, ये आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। तो 5 किलोमीटर की जो रनिंग है उसको कैसे करें इसके बारे में देखो। सबसे पहले क्या होता है, अलग अलग टाइप से बच्चे होते हैं, तो मैं आपको आपके हिसाब से एडवाइस करता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में अच्छा दौड़ सकते हैं लेकिन बाद में क्या अच्छा नहीं दौड़ते। देखो पास करना हमको चाहे कैसे भी करो, तो जो बच्चे शुरुआत में अच्छा दौड़ लेते हैं लास्ट में उनमें एनर्जी डाउन हो जाती है, तो पहले तो वो अपनी थोड़ी डाइट चेंज करें, अच्छा खाना पीना खाए ताकि उसमें एनर्जी कंटिन्यू बने रहे। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरे वो बच्चे जो शुरुआत में स्लो रनिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन बाद में बहुत अच्छा रनिंग करते हैं, लास्ट में धीरे धीरे जैसे सांस काल को एकदम सेट होता अच्छी रनिंग पकड़ लेते हैं। दोनों के लिए देखो, जो बच्चे पहले शुरुआत में बढ़िया दौड़ते हैं तो उनके लिए है कि पहला जो 1 किलोमीटर की रनिंग है मैं आपको, फिर दूसरा 1 किलोमीटर और फिर लास्ट 2.5 किलोमीटर तक यानी 500 मीटर। तो उस बच्चे को जो अच्छा दौड़ता है उसको ये राउंड कम से कम 4 या 4:30 तक खत्म करना चाहिए, पहला 1 किलोमीटर। दूसरा जो राउंड है वो भी आपको 4:30 के आसपास क्लोज करना है, कुल मिला के कितना समय हो गया, 9 मिनट। अब 500 मीटर और दौड़ना आपको, तो आपको कोशिश करना है कि 11 मिनट के अंदर अंदर आप 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, जो बच्चे शुरुआत में अच्छा दौड़ते। अब क्या होगा, अब आपके पास में दूरी बचेगी 2.5 किलोमीटर की और समय बच गया 13 मिनट, यानी पहले वाले समय से अब आपके पास में 2 मिनट एक्स्ट्रा है। यानी ये जो आगे की रनिंग है इसमें अगर आप बीच में थोड़ा थोड़ा सा 30-30 सेकंड अगर कहीं रुक भी जाते हैं तो 4 बार आप रुक के भी रनिंग कंप्लीट कर लोगे। समझ गए बात को, यानी आप 1 किलोमीटर दौड़े फिर थोड़ा सा सांस खा लिया, आपको लगता है सांस भर गया, फिर 1 किलोमीटर दौड़े फिर थोड़ा सा 20-30 सेकंड के लिए सांस खा लिया फिर दौड़े और काम हो जाएगा। समझ गए, ये किन बच्चों के लिए, ये उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि वो लगातार इतनी लंबी रनिंग नहीं करना, उनको तो रुकना ही पड़ता है, उनको तो बीच में प्यास लग जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे से सही तरीका पूछोगे कि सही तरीका क्या, कैसे दौड़ना चाहिए, सबसे पहले तो ध्यान रखो रनिंग करने से पहले जब आप वहां पर भी जाओ या यहां पर भी हो तो फ्रूट खा सकते हो, संतरा खा सकते हो जिससे गला कम सूखे, या अंगूर खा सकते हो। ज्यादा पानी नहीं पीना है और कम पानी भी नहीं पीना, कोशिश करना है कि 5 किलोमीटर की रनिंग के दौरान आपको पानी नहीं पीना है। जब भी आप 5 किलोमीटर रनिंग करें बीच में पानी ना पिए क्योंकि इससे पेट दर्द करने लग जाता है। अगर पीना भी है बीच में लग भी गई कि आपका गला ज्यादा ही सूख रहा तो क्या करना, 1 घूंट पानी लिया मुंह के अंदर को कुछ देर, क्योंकि जब आप रनिंग कर रहे होते हैं ना तो आपकी बॉडी बहुत गर्म रहती है लेकिन पानी बहुत ठंडा रहता है, तो वो जब कॉम्बिनेशन अंदर पेट में जाके बिगड़ जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, कुछ देर मुंह में पानी रखना है, तो उससे क्या वो पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और फिर उसको आप अंदर ले लीजिए। समझ गए बात को, तो उससे आपका पेट दर्द नहीं होगा। साइड की कोरे दर्द होती है तो अंगूठे इस प्रकार से पकड़ के और फिर आप रनिंग कर सकते हो। समझ गए, अब देखो 5 किलोमीटर रनिंग करने का सबसे सही तरीका तो यह कि बीच में आप इस प्रकार की कोई भी रुकावट ना ले, पानी वानी पहले से ही बॉडी में सही बराबर पी के रखे, टॉयलेट वॉयलेट करके फिर रनिंग शुरू करें। समझ गए, सबसे पहले अगर सुबह आप रनिंग करते हो अर्ली मॉर्निंग, तो सुबह उठते ही 4-5 आप काजू खा लीजिए, थोड़े से किशमिश खा लीजिए, ठीक है, और गुड़ खा लीजिए और हल्का सा पानी पी लीजिए और फिर जाइए। हाँ, जाना ना पूरा खाली पेट रनिंग नहीं करनी है, कई बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं खाते फिर रनिंग करते हैं तो इसके वजह से उनका पेट पूरा क्या अंदर से दर्द करने लग जाता है, सूख जाता है। थोड़ा हल्का भोजन कर सकते हो, हल्का का मतलब जैसे 5-10 किशमिश खा लिए, 5-7 काजू खा लीजिए, ठीक है, या क्या बोलते हैं उसको खजूरा, खजूर वो खा लीजिए 1-2 मनके खा लीजिए 1-2, तो उससे ज्यादा कुछ खाया भी नहीं और पेट भी अब खाली नहीं है। ठीक है, पानी पी लीजिए, सुबह उठते ही पानी पीजिए दबा के, रनिंग करने से पहले टॉयलेट वॉयलेट करके फिर तैयार रहिए। तो फिर आपको रनिंग करने जाना है। रनिंग करने का सही तरीका यह है कि पहला जो 1 किलोमीटर है वो आप कोशिश करिए कि 5 मिनट में कवर करें। ठीक है,
दूसरा 1 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर की जब तक आप रनिंग होती है तब तक आप कोशिश करिए कि 10 मिनट के अंदर अंदर आप कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तीसरा जो 3 किलोमीटर वाला जो रनिंग है, यहां से आपको थोड़ा सा अपना टाइम को इंक्रीज करना है, कोशिश करना है कि ये आप 4.5 मिनट यानी लगभग 14.5 मिनट में करने की कोशिश करिए, 4.5 मिनट। चौथा किलोमीटर भी सेम आप कोशिश करिए कि 4.5 मिनट में करें, और जो आपका समय है वो लगभग यहां पर 20 मिनट के आसपास यानी 20 मिनट के अंडर कर लीजिए 19 मिनट में। और जो लास्ट का 5वां किलोमीटर है, 5 किलोमीटर यानी लास्ट वाला जो किलोमीटर है, वो आपको कोशिश करना है कि 4 मिनट के भीतर करें या मैक्सिमम 4 मिनट तक करें, समझ गए। इस प्रकार से अगर आप अपने रनिंग को डिवाइड करते हैं तो आपको प्रॉब्लम, क्योंकि शुरुआत में आपका शरीर इतना गर्म नहीं रहता, तो 5 से 6 मिनट तक आप समय इसमें ले सकते हैं। चलो 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 तो उससे कभी भी आपका सांस नहीं भरेगा, चलो 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 स्पीड बढ़ाओगे तो सांस नहीं भरेगा, ठीक है। 5 से 6 मिनट का समय ले लिया। दूसरा जो 2 किलोमीटर उसमें भी आप थोड़ी सी हल्की सी स्पीड अपने स्टेप बना लीजिए, उससे दौड़िए। तीसरा जो किलोमीटर उसमें कोशिश करिए कि थोड़ा सा अपने शरीर को पुश करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा तकलीफ देने की कोशिश करिए और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करिए, क्योंकि जो लॉन्ग रनिंग होती है ना इसमें क्या दिमाग भी साथ में चलता रहता है कि हाँ थक गया, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि हाँ चलिए दूसरे बच्चे के साथ कदम मिलाने की कोशिश करिए और थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। चौथा किलोमीटर अब आपको पता कि आप आधी से ज्यादा रनिंग कर लिए हैं तो अब कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ी सी अपनी स्पीड को यहां पर हल्की सी इंक्रीज करने की जरूरत है, थोड़ी सी इंक्रीज कर दोगे तो जो लास्ट राउंड 1 किलोमीटर बचा है ये तो पूरी जोश के साथ होनी चाहिए कि अब तो लास्ट है, ये 4 मिनट के भीतर भीतर, और 4 से 4.5 मिनट तो लास्ट है, तो भी आप 23 मिनट के अंदर या 23 से 23.5 मिनट के अंदर अंदर अपनी रनिंग क्लोज कर लो, ठीक है। थोड़ा सा अब आपको कई बच्चे ये भी सिखा देते हैं कि सांस बहुत ज्यादा फूलता है, तो अपनी थोड़ी डाइट चेंज करिए, रात को मूंग भिगाइए, चने भिगाइए, सुबह जो नाश्ता है उसमें थोड़ा तेल चोपट ये चीजें कम करिए, खाने थोड़ा सफिशियंट खाइए, फल फ्रूटों पे ध्यान दीजिए, ड्राई फ्रूट्स पे ध्यान दीजिए, ताकि बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी प्रोटीन रोटीन सब अच्छे से मिले, फिर देखो अपने आप सारा काम हो जाएगा, ठीक है। राजगढ़ जय हिंद जय भारत।